बोलिए क्या बात है। एक कप चाय दो बेटी, अभी लेकर आती हूँ। अच्छा कप तोड़ दिया, हाथ में दम नहीं है। बेटी कमजोरी की वजह से कप छूट गई है। जब हाथ में दम नहीं है तो चाय पीना छोड़ दीजिए। दिन रात बहती रहती है, चलिए घर काम काम कुछ कीजिए। झाड़ू पोछा लगाइए, आपके आंगन मुझसे देखी नहीं जाती। या अल्लाह मुझे जिंदा क्यों रखी है, मुझे आपने पास बुला लीजिए। कमजोरी और बहू कतन मुझसे सहा नहीं जाती है। बेटी बेटी एक गिलास पानी देना। सिर्फ पानी दो, साथ में जहर मिला दो ताकि हमारी तकलीफें कम हो जाए। या अल्लाह मुझे ऐसी बहू से हिफाजत फरमा। बेटा हमाद, बेटा हमाद। हामी बेटा, मुझे रात में बहुत ठंड लगती है, मेरे लिए एक चादर खरीद लाओ। अच्छा मैं आज बाजार से आपके लिए इंशाल्लाह नया चादर ला दूंगा। जी इधर आइए। क्या हुआ सैयदा? आपकी अम्मी आज रहेगी कल चली जाएगी। मैं नहीं दुल्हन हूँ, मुझे नहीं चादर ला कर दो। पुरानी चादर जो पड़ी है उसे अम्मी को ला कर देती हूँ। अरे सैयदा अम्मी एक चादर ही तो मांगी है। आज चादर मांगी है, कल और कुछ मांगेगी? एक तो बुढ़िया हो गई है, इसने भी आजकल के मेहमान है, उसे नई चादर चाहिए। अपने बच्चे के लिए जमा करने का इरादा नहीं है क्या? अगर लौटाना ही है तो मुझे अपने घर छोड़ो। अच्छी परेशानी है, मेरे लिए लाओ यही पुरानी चादर दे दो। लीजिए अम्मी। आप लोग किस बात को लेकर झगड़ रहे हैं? अरे बेटा क्या बताऊँ, तुम्हारी दादी को रात में ठंड लगती है तो उन्होंने एक चादर मांगी है, तो तुम्हारी अम्मी कह रही है कि नया चादर नहीं पुरानी चादर दे दीजिए, नहीं तो मैं अपनी घर चली जाऊंगी। इसीलिए तुम्हारी दादी को पुरानी चादर देनी पड़ेगी। दादी ये चादर मुझे दे दीजिए। अरे अजदरे तुमने क्या कर रहा है? ए लड़का तो अपने बाप से भी आगे निकाला। जब तेरा बाप छोटा था और उससे ठंड लगती थी तो मैं उसे सीने से लगा लेती थी और अपने आंचल से छुपा लेती थी और रात भर उसके लिए जागती थी। आज वही बेटा अपने बीबी से पूछ कर चादर दे रही है। अरे अजदरे चादर अपनी दादी को दे दे। अम्मी मैं इसे दो टुकड़े करती हूँ, एक टुकड़े दादी को, दूसरे अपने पास रखूंगा। कल तुम भी बूढ़े हो जाओगी तो मुझे पुरानी चादर ना मिली तो यही चादर आपको देनी पड़ेगी। हाय अल्लाह, मेरे अमल मेरे बेटे पर कैसे कसर रही है। बेटा क्या अपनी अम्मी को पुरानी चादर देगी? हाँ अम्मी, हाँ अम्मी, अब उन्हें भी तो आपके कहने पर अपने अम्मी को पुरानी चादर दे रही। शायद मेरी बीवी भी मुझे कहेगी तो मुझे भी आपको पुरानी चादर ही देनी पड़ेगी। बेटी साईदा, क्या हुआ अम्मी? क्यों रो रहे हो, क्यों परेशान हो? क्या बताऊं बेटी, तुम्हारी भाभी ने मुझे घर से निकल दिया है। भैया ने कुछ नहीं कहा? नहीं बेटी, वो तो अपना बीबी का पूरा पूरा गुलाम बन चुका है। वो जैसे कहती है वैसे ही करती है। आजकल के जमाने में माँ बाप की कदर कहा आजकल के बहुएं भूल जाती है कि फिर उनका कैसे बनना है। बात क्या हुई अम्मी, भाभी ने आपको घर से क्यों निकाल दिया? बात कुछ ज्यादा नहीं है, ज्यादा ठंड भी पड़ रही है इसलिए तुम्हारी भाई से कहा बेटा एक चादर खरीद कर मुझे दे दीजिए। तब बहू ने कहने लगा है कि मेरे पास तो बच्चे है, ऐसा करके पैसा खर्च कर देंगे तो मेरे बच्चे के लिए क्या जमा करेंगे। हर महीने हजारों रुपया उधर उधर खर्च कर देते हैं, लेकिन उस माँ के लिए 200-300 का चादर ला कर नहीं दे सकता है जिस माँ ने उसे पाल पोस कर बड़ा किया है। अरे शायद तुम क्या कह रहे हो, अभी तो तुमने मेरे माँ के लिए यही कहा था। जब तुम्हारे भाई ने तुम्हारे माँ के साथ किया तो गलत, अब तुम मुझे मेरी माँ की खिदमत करने से रोकती हो, उनके लिए कोई चीज लाऊं तो गुस्सा करती हो, बात बात पर घर जाने की धमकी देती हो, क्या यही है? आप भी मुझे माफ कर, इंशाल्लाह आइंदा ऐसी गलती नहीं करूँगा। ठीक है बेटा,